हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं और ब्लड ग्रुप के लिए क्या क्या चाहिए होगा। उसके लिए स्लाइड सर्कल वाली, जिसमें मैं ब्लड ग्रुप करूंगी। सेकंड, ये रीजन ब्लड ग्रुप के, एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी डी। ये जो फर्स्ट दो रीजन हैं, इससे हमें ब्लड ग्रुप के नाम पता लगेंगे, ए एंड बी। और जो ये लास्ट रीजन है एंटी डी, ये है RH टाइप। RH टाइप मीन्स ये हमें बताएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। और ये है माइक्रोटिप्स और ये टूथपिकर, जिससे मैं ब्लड ग्रुप मिक्स करूँगी। ये माइक्रोटिप मैंने इस माइक्रोपिपेट के आगे लगाई। अब ये पेशेंट का मैं सैंपल ले रही हूँ ब्लड ग्रुप करने के लिए। अब मैं इसकी ब्लड की 3 ड्रॉप्स लगाऊंगी स्लाइड के ऊपर, 3 सर्कल में 1 by 1 करके। एक ड्रॉप 50 माइक्रो की होती है, ठीक है। आप 3 ड्रॉप्स ले लीजिए 1 by 1 करके, ठीक है। इक्वल ड्रॉप्स लेनी है आपने। जैसे ये मैंने, आप देख रहे हैं कि 3 ड्रॉप्स लगा दी हुई हैं। अब इसके बाद मैं इसमें रीजन मिक्स करूंगी, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप। ये ब्लड के 3 ड्रॉप्स लगे हुए हैं। अब फर्स्ट ड्रॉप में मैं डालूंगी एंटी ए। ये मैंने डाल दिया रीजन एंटी ए। और एक बात का ध्यान रखें, जब आप ब्लड ग्रुप कर रहे हैं तो इसमें रीजन की जो ड्रॉपर होती है, इसमें लगा होता है ड्रॉपर, वो आपका ब्लड की ड्रॉप के साथ टच कभी ना करे। और ये सेकंड ड्रॉप में डाल रही हूँ एंटी बी। और ये मैं थर्ड ड्रॉप डाल रही हूँ एंटी डी की। ये मैंने थर्ड ड्रॉप डाल दी, ठीक है। बस ये रीजन इससे टच नहीं करना चाहिए जब हम डाल रहे हैं। तीनों ड्रॉप में मैंने ये तीनों रीजन सीरियल वाइज डाल दिए हुए हैं। अब इसको मैं मिक्स करूँगी बाय टूथपिक का। ये मैं मिक्स कर रही हूँ और ये हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल जेंटली मिक्स करना है हमने, ठीक है। क्योंकि ये सेकंड वाला मिक्स किया मैंने, ठीक है। और ये मैंने थर्ड वाला मिक्स किया, मिक्स करते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जेंटली मिक्स करना है। आफ्टर मिक्सिंग 1 मिनट के लिए इसको ऐसे रोटेट करेंगे। ये रोटेट कर रहे हैं तो हमने देखा कि 3 सर्कल में अग्लूटिनेशन हो रही है। अग्लूटिनेशन, ये आप देख रहे हैं अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन आने का मतलब ये हुआ कि हमें हमारे ब्लड ग्रुप का रिजल्ट मिल गया है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड की ड्रॉप कैसे होती है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉप की ब्लड लगाई। अगर इसको मिक्स करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि नॉर्मल ब्लड है। और ये मैंने जो ड्रॉप्स डालें इसमें ब्लड के और इसमें रीजन मिक्स किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो है अग्लूटिनेशन का। ये आप क्लियर देख पा रहे हैं कि अग्लूटिनेशन हो चुकी है 3 सर्कल में। इससे हमें पता लगेगा हमारा ब्लड ग्रुप का रिजल्ट, ए बी पॉजिटिव। इन दोनों से हमें नाम मिल गया ब्लड ग्रुप का, ए और बी। और लास्ट से RH टाइप से हमें पता लगा कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये ब्लड ग्रुप हमारा हो गया ए बी पॉजिटिव, ठीक है। आप देख सकते हैं ए बी पॉजिटिव, कुछ मुश्किल नहीं है, सो इजी। 3 ड्रॉप्स हम ब्लड की लेंगे, 1 by 1 करके ये रीजन डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे जेंटली। आफ्टर मिक्सिंग फॉर 1 मिनट रोटेट करेंगे, ठीक है। आफ्टर रोटेट जो अग्लूटिनेशन आएगी उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ए बी एंड डी। इससे हमें रिजल्ट मिलेगा ए बी पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो रीजन हैं, इनके कलर कोड होते हैं, ए का ब्लू,
बी का येलो एंड डी का ट्रांसपेरेंट वाटर कलर। ये है एंटी सीरा कहते हैं इसको, जो ब्लड ग्रुप के लिए यूज़ होता है। तो ये रहा हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, विद अग्लूटिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ए बी पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।